हार्डवेयर दुकान में सबसे ज़्यादा बिकने वाला इनेमल पैंट जो हमेशा चलते रहता है, हमेशा बिकते रहता है, तो आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, क्या हमको दुकान में रखना चाहिए, कौन सा पैंट सबसे ज़्यादा बिकता है इनेमल पैंट्स, उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप दुकान में रखिए तो आपको मैं बताता हूँ कौन कौन सा ज़्यादा बिकता है इनेमल पैंट्स। इसको हम कहते हैं फिरोजी, ये आपका आसमानी कलर का होगा, ये भी इसका डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। ये 1 लीटर, 1/2 लीटर, 4 लीटर, उसके बाद 100 ml, 50 ml, इस तरह में आता है इसका, ठीक है। तो आपको ये रखना है अपने दुकान में, ठीक है। इसके बाद आता है ब्राउन, ये कॉफ़ी कलर का आपका होगा, ये भी दुकान में सबसे ज़्यादा बिकता है, ये इसको भी आपको रखना है। ये भी आपका 4 लीटर, 1 लीटर, 1/2 लीटर, 200 ml, 100 ml और 50 ml, ये सब में रहेगा आपका, ये सब भी रखना है आपको। इसके बाद आता है गोल्डन ब्राउन, ये आपका इस तरह का होगा, ये भी दुकान में ज़्यादा इसका डिमांड रहता है, ठीक है। ये भी आपका 4 लीटर, 1 लीटर, 1/2 लीटर, 200 ml, 50 ml, 100 ml, इस तरह का पैक में आता है, ये भी आपको रखना है। इसके बाद आता है रेड कलर, रेड कलर का डिमांड है लेकिन इससे थोड़ा कम है, तो इसको भी आपको रखना है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में मत रखिएगा। इसके बाद आता है मिंट ग्रीन, ये भी इसका भी डिमांड है, ये भी आपको रखना है, लेकिन ये सब जो मैं बता रहा हूँ मिंट ग्रीन वगैरह, थोड़ा कम क्वांटिटी में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है बुश ग्रीन, ये आपका ग्रीन कलर का आएगा, ये भी उसी तरह 4 लीटर, 1 लीटर, 200 ml, 100 ml, 50 ml, इस तरह का आता है। इसके बाद आता है पर्पल कलर, पर्पल कलर को भी रखना है, उसका भी डिमांड है, ठीक है। जिसको हम बैंगनी कलर कहते हैं, वो भी आपको 4 लीटर, 1 लीटर, 200 ml, 50 ml, 100 ml, इस सब तरह का रखना है पैक में आपको। तो ज़्यादा जब भी रखें तो आपका ब्राउन हो गया, फिरोजी हो गया, उसके बाद गोल्डन ब्राउन हो गया, इसके बाद पर्पल हो गया, इसके बाद वाइट भी रख सकते हैं, ब्लैक भी रखिए आप, थोड़ा थोड़ा रखना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं रखना है, वाइट और ब्लैक। ये गोल्डन ब्राउन, ब्राउन और फिरोजी और उसके बाद पर्पल, ये सब इनेमल पैंट से थोड़ा कम ये रखना है, जैसे ब्लैक हो गया, क्या बोलते हैं, वाइट हो गया, मिंट ग्रीन हो गया, उसके बाद बुश ग्रीन हो गया, ये सब आपको थोड़ा कम रखना है, ठीक है। आपको जब तक आप इसमें मार्केट को आप समझेंगे नहीं कि क्या डिमांड है, क्या उधर यूज होता है, तो उस हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी कम रखिए सबका, जो आपको पता चलेगा क्या मेरे क्षेत्र में क्या चीज़ कौन सा कलर का डिमांड ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ लगभग ये सब ज़्यादा चलता है, जैसे कॉफ़ी कलर हो गया आपको, जिसको ब्राउन कलर कहते हैं, फिर गोल्डन ब्राउन का भी डिमांड है, ब्राउन का डिमांड है, उसके बाद फिरोजी का है, फिर पर्पल का भी डिमांड है, इस हिसाब से आपको रखना है, ठीक है। ये सब हमेशा बिकते रहता है, और जो जो मैं बताया हूँ थोड़ा थोड़ा कम क्वांटिटी रखिएगा, जैसे ब्लैक, वाइट हो गया, मिंट ग्रीन हो गया, उसके बाद बुश ग्रीन हो गया, ये सब आपको रेड हो गया, ये सब थोड़ा कम क्वांटिटी रखिएगा, ठीक है। ये सब और भी बहुत कलर है इसमें, लेकिन आपको अपने मार्केट के हिसाब से कलर रखिएगा कि क्या डिमांड है आपके क्षेत्र में, कौन सा कलर ज़्यादा यूज करते हैं घर में, तो वो रखना पड़ेगा आपको। वो समझ आ जाएगा कि बिजनेस में आपको पता चल जाएगा कि क्या डिमांड है। जब तक आप बिजनेस नहीं रनिंग कीजिएगा, रन कीजिएगा तो आपको आइडिया आ जाएगा क्या क्षेत्र में ज़्यादा डिमांड है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये सब कलर थोड़ा ज़्यादा चलता है, तो आप रखेंगे तो बिकेगा ज़्यादा, ठीक है। दोस्तों, मेरे चैनल से आपको थोड़ा भी नॉलेज मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा कि और लोगों का भला हो सके, और भी बिजनेसमैन बने और अच्छे से अपने दुकान को चलाए और ज़िंदगी में बहुत आगे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।